हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम नबील है। अगर आप एक आईफोन यूज़र है तो ये वाला मैसेज आपने ज़रूर कभी ना कभी देखा होगा, नॉट इनफ स्टोरेज। आईक्लाउड अकाउंट आपका बेसिकली जो है वो फुल हो जाता है, आईक्लाउड स्टोरेज जो है वो बेसिकली फुल हो जाती है। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देता है, आपका आईफोन क्लोज या फिर अपग्रेड स्टोरेज। अपग्रेड स्टोरेज पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पैसे भर के एवरी मंथ जो है आईक्लाउड स्टोरेज ज़्यादा ख़रीदने का मौका मिलता है, लेकिन वो स्टोरेज ख़रीदना जो है बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी है। तो आज इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने आईक्लाउड स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं, अपने आईक्लाउड स्टोरेज के अंदर आपको किन चीज़ों को बैकअप बनाना चाहिए, किन चीज़ों को स्टोर करना चाहिए और किन चीज़ों को स्टोर नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये वाले मैसेज जो है आते रहते हैं। तो अगर आप इस बारे में नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आपका जो आईक्लाउड अकाउंट होता है, बेसिकली आपके फ़ोन के साथ 5 GB का क्लाउड स्टोरेज वाला एक अकाउंट होता है, जिसके अंदर आप क्लाउड पे यानी कि एप्पल के अपने सर्वर पे अपना बहुत सारा डेटा जो भी आपको रखना है up to 5 GB फ्री ऑफ कॉस्ट स्टोर करके रख सकते हैं। सेटिंग्स में आप जब जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आईक्लाउड आईडी है, एप्पल आईडी है और आईक्लाउड अकाउंट, आईट्यून्स और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगी, और जो भी डिवाइसेज उससे एक साथ कनेक्टेड है वो भी यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। अब यहाँ पे जो आप आईक्लाउड पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आईक्लाउड स्टोरेज मेरा कितना फुल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 GB out of 5 GB जो है मेरा स्टोरेज फुल है, अभी 2 GB का चांस है मेरे पास और यूज़ करने का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कि लिखा है ऐप्स यूजिंग आईक्लाउड, यानी कि इन सारे ऐप्स का जो बैकअप है वो आपके आईक्लाउड अकाउंट में, यानी कि वो जो 5 GB का स्टोरेज है उस पर बन रहा है। तो कौन से यहाँ पे आपको रखना चाहिए, कौन से नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना होता है। कॉन्टैक्ट्स डेफिनेटली आपको रखना चाहिए, कैलेंडर, रिमाइंडर, नोट्स वगैरह जो है आप रख सकते हैं, मैसेजेस भी आप रख सकते हैं। जब भी आप दूसरे फोन में माइग्रेट करेंगे, सेम एप्पल आईडी से साइन इन करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वापस रिस्टोर हो जाएगी। सफारी का भी बैकअप आप रख सकते हैं, सफारी में भी जो भी आप ब्राउजिंग करते हैं वो यहाँ पे स्टोर रहेगा। बाकी एप्पल हेल्थ का जो एप्लीकेशन है वो भी आप बैकअप बना के रख सकते हैं, ताकि आपका हेल्थ डेटा उसमें स्टोर हो। सीरी से रिलेटेड जो जानकारी है उसका बैकअप बना के रख सकते हैं, और आई चेन जिसमें आपके सारे पासवर्ड्स होते हैं उसका भी आप बैकअप बना लेना चाहिए, ताकि आपके पासवर्ड जो है यहाँ पे सेफ रहे और जब भी आप रिस्टोर करेंगे अपना बैकअप तो आईक्लाउड अकाउंट पे साइन इन करने के बाद, एप्पल आईडी से साइन इन करने के बाद ये सारे पासवर्ड्स वगैरह आ जाएंगे। फाइंड माई आईफोन भी यहाँ पे ऑप्शन होता है, अगर आपका आईफोन कभी गुम जाए तो यहाँ पे फाइंड माई आईफोन के जरिए से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, और इसको भी ऑन रखना आपको चाहिए। उसके नीचे आप देखेंगे तो आपको बुक्स के पेजेस वगैरह जो भी स्टॉक एप्लीकेशन है उनके ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो ज़्यादा स्टोरेज नहीं खाते उनको यहाँ से ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने व्हाट्सएप का बैकअप जो है आईक्लाउड पे ऑन रखा है। कभी भी नए आईफोन में अपना एप्पल आईडी साइन इन करूँ तो मेरा व्हाट्सएप का चैट का जो बैकअप है वो वैसा का वैसा आ जाए, और शॉर्टकट्स का भी मैंने रखा है। बाकी ये सारे जो एप्लीकेशन है इनका बैकअप मुझे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके अपने सर्वर पर उसका बैकअप बनते रहता है। जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक वगैरह है, उनके अपने सर्वर पर जब भी मैं आईडी और पासवर्ड साइन इन करूंगा मेरा सारा डेटा वैसा का वैसा आ जाएगा। तो अननेसेसरी मैं अपने आईक्लाउड अकाउंट पे उसका बैकअप बनाना नहीं चाहिए। स्टोरेज के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कलर के बैंड्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पुराना बैकअप जो है सबसे ज्यादा जगह घेर रहा है, जो पहले का आईक्लाउड अकाउंट का मेरा बैकअप मैंने बनाया था अपने फोन का अपने आईक्लाउड अकाउंट पे। सेकंड जो ज्यादा जगह घेर रहा है वो डॉक्यूमेंट्स है, थर्ड जो येलो में आप देख रहे हैं वो फोटोज है, और फोर्थ है मैसेजेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोटोज को ऑफ रखा है, और हमेशा आपको जो है अपने फोटोज का आईक्लाउड बैकअप जो है ऑफ रखना ही चाहिए अगर आप एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईक्लाउड फोटोज जो है इसको मैंने ऑफ रखा है, क्योंकि ये सारे फोटोज जो मेरे फोन में होंगे, फोटोज और वीडियोस, उस सभी को आईक्लाउड अकाउंट में स्टोर करेगा, और 5 GB जो है मिनटों में आप फुल कर सकते हैं अगर आप आईक्लाउड फोटोज को ऑन रखते हैं। तो माई फोटो स्ट्रीम करके यहाँ पे जो सेकंड टाइम आपको दिख रहा है बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। माई फोटो स्ट्रीम में आपके आईक्लाउड अकाउंट की स्टोरेज इस्तेमाल नहीं होती, बस इस सेम एप्पल आईडी से साइन इन किए हुए दूसरे डिवाइसेस के अंदर आपके इस डिवाइस की जो मेन डिवाइस के फोटोज है वो सभी डिवाइसेस में आ जाएंगे। अगर उन डिवाइसेस से आपको क्लिक करेंगे तो इस डिवाइस में आ जाएगा। आईक्लाउड अकाउंट का इस्तेमाल करता है वो, लेकिन आईक्लाउड अकाउंट की स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं करता। तो आप इसको ऑन रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वीडियोस बाकी डिवाइसेस पे डाउनलोड नहीं होंगे, सिर्फ जो आपका मेन डिवाइस जिससे आपने वीडियो शूट किया उसी में रहेंगे। बाकी फोटोज़ को ये स्ट्रीम करके बाकी सभी डिवाइसेस में, चाहे वो मैकबुक हो आपका, आईपैड हो या दूसरा कोई आईफोन आप यूज़ करें हो सेम एप्पल आईडी से, उसके अंदर माई फोटो स्ट्रीम ऑन रखने से वो फोटोज़ वहाँ पर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। तो अगर आप एक बैकअप टाइप का बनाना चाहते हैं अपने फोटोज़ का तो माई फोटो स्ट्रीम भी आप ऑन रख सकते हैं। बाकी नीचे आप देख सकते हो शेयर्ड एल्बम्स का जो ऑप्शन है, इसमें आप अगर किसी और के साथ कोई एल्बम शेयर करना चाहते हैं दूसरे एप्पल यूज़र के साथ, तो यहाँ पर आप शेयर्ड एल्बम को ऑन रख सकते हैं और से वो लिंक शेयर करके उस एल्बम के फोटोज को उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जो सीखने को मिला वो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही थी, अगर आप अपने आईक्लाउड स्टोरेज को बचाना चाहते हैं, अननेसेसरी उसको बार बार फुल होता हुआ नहीं देखना चाहते तो फोटोज़ पे क्लिक कर दीजिए और आईक्लाउड फोटोज़ को ऑफ रख दीजिए, और हो सके तो माई फोटो स्ट्रीम को ऑन रखिए अगर आपके बहुत सारे डिवाइसेज एप्पल के हैं, अगर नहीं है तो इसको भी आप ऑफ कर सकते हैं।
अब अगर आपका स्टोरेज आईक्लाउड अकाउंट का फुल हो चुका है तो किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से तो आप ऑफ कर सकते हैं, अब और बैकअप उनके नहीं बनेंगे, लेकिन जो पहले से बैकअप बने हुए हैं जो स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसको आप कैसे मैनेज करेंगे, तो यहाँ पे आपको मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करना है। मैनेज स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद ये नया पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपका स्टोरेज प्लान जो है वो 5GB का है, यानी कि फ्री है। अननेसेसरी ज़्यादा जो महंगा पैसा देके मत खरीदिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए तो आप खरीद सकते हैं, तो अननेसेसरी है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि किन किन एप्लीकेशन ने कितना स्टोरेज पेज घेर रखा है, और सबसे ज्यादा जो स्टोरेज पेज का इस्तेमाल किया है वो बैकअप्स ने किया है, 2.7GB जो है बैकअप्स ने स्टोरेज पेज का इस्तेमाल किया है। तो यहां से उन बैकअप्स को मैं डिलीट भी कर सकता हूं, ये पुराने बैकअप से जो बनाए हुए, अगर मैं नया बैकअप बना रहा हूं तो पुराना बैकअप मैं यहां से डिलीट कर सकता हूं। दोस्तों आईक्लाउड में जब आप फोटोज़ को ऑफ करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना कि जो भी फोटोज़ आपके आईक्लाउड अकाउंट में अपलोडेड है वो यहाँ से आपके फ़ोन में से गायब हो सकते हैं। तो इसलिए पहले सबसे पहले काम करने के पहले अपने फोटोज़ का जो बैकअप है अपने पीसी पे बना लीजिए, तो सबसे अच्छी बात होगी। उसके बाद यहाँ से ऑफ कर दीजिए, और अगर आपको वो फोटोज़ अगर आप देख रहे हैं कि फिर भी ये मेरा आईक्लाउड स्टोरेज फुल दिखा रहा है, बैकअप मैंने डिलीट कर दिया फिर भी फुल दिखा रहा है, तो आपको अपने पीसी पे iCloud.com को ओपन करना है, उसमें साइन इन करना है, और वहाँ से अपने सारे अपलोडेड फोटोज़ वीडियोज़ आप देख सकते हैं, जिनको वहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं या अपने पीसी पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है सबसे बेसिक तरीका अपने iCloud स्टोरेज को मैनेज करने का, ताकि आपको बार बार वो मैसेज एप्पल की तरफ से ना आए और अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज खरीदने की जरूरत ना पड़े। सबसे बेस्ट तरीका यही है दोस्तों कि टाइम टू टाइम अपने फोन को, अपने आईफोन को अपने पीसी से या मैक से कनेक्ट कीजिए और iTunes में कंप्लीट बैकअप बना लीजिए, ताकि आपका सारा डेटा सेफ रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों iCloud से रिलेटेड ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे कोई भी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं, कोई ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।